अंग्रेजों के बारे में बताओ, ये क्यों ऐसे गढ़ बना रखा है यहाँ पे? ये सब आने वाले समय पे कब्जा कर लेंगे। पहले इन्होंने पहले ही बता रखा था 100 साल के बाद हम तुमसे फिर मिलेंगे। मैकडी था, मैकडी सब्वे वगैरह एक फूड कोर्ट था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर अभी रुककर सब्वे का कुछ बर्गर वगैरह खाया है। यहाँ से अभी 100 या 120 किलोमीटर के आसपास है ऋषिकेश, तो हम सीधे ऋषिकेश जाकर रुकेंगे और वहीं पर अपनी शाम स्पेंड करेंगे और कल का दिन भी हम वहीं पर रहने वाले। आगे डिसाइड करते हैं, तो आगे करते हैं डिसाइड और यहाँ से अभी निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश चलते हैं और नॉन स्टॉप चलेंगे। ने पहले सोचा था कि हम हरिद्वार जाएंगे, लेकिन हमारा पहला टारगेट ये कि हम ऋषिकेश पहुंच जाएं और वहां पर गंगा की आरती जो होती है वो हम चाहते हैं देखना और आपको भी दिखाना। तो अगर पॉसिबल होगा तो आज शाम को जो गंगा आरती होगी ऋषिकेश में वो आप अच्छे विजुअल्स के साथ देख पाओगे। तो यहाँ से हम सीधे चलते हैं ऋषिकेश और वहाँ जाकर लेते हैं अपना स्टॉप। राम झूला, दोनों तरफ गंगा के घाट और बीच में ये झूला, और इतने पतले से झूले पर इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, कहीं अगर वेट ज्यादा हो गया तो भाई साहब नमो नमो हो जाएगा। दोनों तरफ का व्यू इतना शानदार है, इतना ब्यूटीफुल है, मतलब बताया नहीं जा सकता। तो फाइनली हम आ गए हैं ऋषिकेश में और ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हम फटाफट पहले रूम में जा रहे हैं, अपना सामान रख रहे हैं और फिर सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम गंगा आरती को कवर करेंगे और फिर आगे आपसे बातें करेंगे। पीछे गंगा आरती होने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ, माहौल कुछ ऐसा है। स्वामी जी भी आए हैं और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है गंगा आरती का। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता तुम को जाता, तुम्हारे मैया जी को की जो है मतलब कैंसिलेशन पे डिपेंड करता है, आपको सुबह आगे पता कर लेना। तो रूम जो है हमें मिला है पर सिर्फ रात भर के लिए, 400 से लेकर 1500 1600 तक अवेलेबल हैं अलग अलग कैटेगरी के रूम्स हैं। हमारे पास जो हमें मिल सकता था वो 1600 वाला, इनके पास एक रूम था वो भी आज रात के लिए। सुबह हमें दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा रूम, आई थिंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है रूम। तो यहाँ तो एक दिन तो रुकना ही है, एक दिन के बाद कल के बाद हमारा क्या प्लान होगा वो कल की कल देखेंगे, लेकिन यहाँ की सुबह और शाम कनेक्ट आ रहा है इधर ना। हाँ, एक अलग ही वाइब्स है यहाँ, मतलब प्योर प्योरिटी है। अगर यहाँ पर आप आते हो ऋषिकेश में तो ये सबसे बेस्ट जगह है रुकने के लिए। सामने बिल्कुल गंगा जी है, गंगा की आरती बिल्कुल ठीक सामने होती है। दुनिया रिकमेंड कर रही है, हम भी रिकमेंड कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, इधर योगा सेंटर भी है,
मेडिटेशन हॉल भी है, सो मतलब अगर जस्ट इन केस कोई भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है तो यहाँ पर आना चाहिए, कर सकते हैं। सो फाइनली ये वाला रूम हम लोगों ने लिया है, ये आश्रम का एक छोटा सा रूम है, यहाँ पर आकर सामान हम पहले रख चुके थे तो मैंने सोचा आपको ये रूम दिखा देता हूँ। वो ये बाथरूम है छोटा सा और वो टॉयलेट है। वो जो 1600 रुपए का थोड़ा सा लग्जरी रूम था वो रूम शायद ऑलरेडी बुक हो गए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि एक थोड़ा छोटा रूम है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर रुकना तो रुक सकते हैं, देख लीजिए। रूम हमने देखा, हमें साफ़ सुथरा लगा, छोटा रूम है और आश्रम के अंदर रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत शांति है यहाँ पर। आसपास जो लोग हैं वो भी बहुत शांति से बैठे हुए हैं चुपचाप, तो रात में रुकने के लिए ठीक है, अच्छी जगह, छोटी जगह, साफ़ सुथरी जगह और बहुत कम है, 600, दैट्स इट, मात्र 600 रुपये। और अभी यार पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे हैं, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, तो जल्दी से कुछ खा लेते हैं। और खाना हम यहाँ नहीं खाने वाले हैं, खाना हम बाहर खाएंगे जाके। चलो चोटी वाला चलो देखते हैं। फेमस रेस्टोरेंट है ऋषिकेश में, इसका नाम है चोटी वाला रेस्टोरेंट। देखो सामने बैठे हुए चोटी वाले बाबा, एक अलग ही अट्रैक्शन है यहाँ पर आना, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ चोटी वाले बाबा। खाना भी बहुत लाजवाब दिख रहा है, देख लो आप भी, क्योंकि उसके बाद हम खाएंगे। जल्दी दिखाओ, भूख लग रही। क्या है बताओ? पापड़ है आधा, मतलब मैं आधा खा। ये पंजाबी थाली है, ये सारी चीज़ें मिक्स वेज सब्जी है, रायता है, सलाद है, पनीर की सब्जी है, कढ़ी है और ये दाल मखनी है और ये रसगुल्ला है और पापड़ है। ओ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। तो फाइनली आज का दिन हमारा ख़त्म हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा लंबी हमारी राइड थी, थक गए थे, खाना वाना खा लिया अभी हमने। चोटी वाले बाबा का जो रेस्टोरेंट था वहाँ खाना बहुत अच्छा था। और आपको बताऊँ, ये जो पीछे आप दिख रहे हो ना, इसके पीछे पहाड़, माउंटेन्स, ब्यूटी। सुबह दिखेगा भाई, सुबह अभी कुछ नहीं दिख रहा है, सुबह दिखेगा। हम जहाँ पे भी पहुँचते ना रात को पहुँचते हैं, बीर बिलिंग में रात को पहुँचे थे हाँ। और फिर सब सुबह दिखा था हाँ। बीर बिलिंग हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि जाओ जाकर देखो उस वीडियो को। गाइस कल का दिन बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि हम यहीं पे इसी आश्रम में रुकेंगे कल के दिन। कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से थोड़ी वार्तालाप भी करें, बातचीत करेंगे और उनके भी एक्सपीरियंस जो होंगे वो हमारे साथ शेयर करें और हम आपके साथ शेयर करेंगे। कितना दूर है रूम भाई? रूम हमारा यहीं पास में ही है, हम इधर उधर टहल रहे हैं क्योंकि हमें आपसे बात करनी है। अभी बहुत बुरी तरह से हम थक चुके हैं, तो गुड नाइट फ्रॉम परमार्थ निकेतन आश्रम # ऋषिकेश। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। सो सुबह के 6 बज चुके हैं और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि सुबह हो चुकी है यहाँ पे सबकी, और मुझे भी जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ की जो योगा क्लासेस होती हैं, अर्ली मॉर्निंग योगा क्लासेस, वो आपको दिखानी है। तो ये यहाँ का योगा मेडिटेशन हॉल है, तो जैसा कि हमने परमिशन ली थी यहाँ पर कि हम योगा क्लासेस में जाकर शूट कर सकते हैं, जो यहाँ की मैनेजमेंट स्टाफ हैं, आई थिंक शी इज़ अ सुपरवाइज़र मिस लॉरी, उन्होंने हमें परमिशन दी है कि हम यहाँ पर आकर शूट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है, हमें ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच मैम, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, वैसे आई एम श्योर ऐसा होगा नहीं। तो चलो on your heels.
I've been practicing yoga for many years, on and off, back home in England, but I found my real teachers here in India. Mataji and Induji, who teach all the yoga courses here, and Pujaswamiji, who is the spiritual leader of this ashram. They really are living, breathing yogis. They live a life of karma yoga, and they really demonstrate the true meaning of yoga. And it was the first time that I would go to Aarti and I would hear these mantras and hear the Sanskrit and the power of it. And I didn't really understand. I didn't understand what was being said. All I understood was how I felt. And then on my third trip, I did a yoga course. And that's when I properly met Mataji. And I started to learn the mantras myself and understand the mantras. And that was like the next level of changing my life. I've always been interested in India, always. On my third trip to India, I found Rishikesh and I found Parmarth, and it changed my life. There is something very special and pure about Rishikesh. Like really sitting by Ganga and learning what these things mean and having them really in me. Yeah. It's been a very powerful journey. And Parmarth has played a very big part. And I have been living here at Parmarth for the last 3 years, since 2015. I am in Seva. It is a form of sadhana or spiritual practice. There is a very peaceful feeling, and we have many people who come for our yoga courses as well. I think that when people come here, it does seem like an oasis, you know, because right outside the gates is the market, and there's a lot of horns honking and cows, and people are doing their activities. But then you come in here, and there's an immediately different feeling. Of course, we have the foothills of the Himalayas in the back and Ganga in the front. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Thank you. So vlog on with Prashant. Prashant. Vlog with Prashant. Vlog on with Prashant. Yeah. Okay. Namaste. 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 And enjoy. And if you have time, come to the afternoon class. Yeah, definitely. Sure. We'll try. अभी योगा भी आपने देख लिया, इस प्रीमाइसिस को भी देख लिया, अपना परमार्थ निकेतन को भी देख लिया अच्छे से. तो फटाफट अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, फ्रेश होएंगे, नहाएंगे और यहाँ से निकलते हैं. ब्रेकफास्ट भी करना है. ब्रेकफास्ट हम यहाँ की कैंटीन में ही कर लेते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे बाहर और जैसा जैसा पता चलता जाएगा वैसे वैसे एक्सप्लोर करेंगे. क्या होगा तुमसे? योगा से होगा. तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की जो सिटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए. सामने निकलते ही आपको देखो कितना अच्छा व्यू मिलता है. यहाँ पर होती है गंगा आरती. कितना अद्भुत नज़ारा है भाई. सामने भगवान शिवा की वो इतनी बड़ी मूर्ति. गंगा नदी यहाँ पर सामने बह रही है और यहीं पर हमने कल रात को आरती भी करी थी. अगर आप यहाँ पर आते हो तो इस आरती को ज़रूर अटेंड करना. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है यहाँ पर आने के बाद. यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर मार्केट की तरफ. मार्केट में जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं सिटी को. तो तुम क्या कर रहे हो? ये देखो मल्टी कैमरा सेटअप चल रहा है. चलिए तो यहाँ कब से हो आप? 12 कम देख लिए हमने. आप ऋषिकेश में कब से हो? 20 साल से. 3 बार अमरनाथ हो चुका हूँ. पूरा हिमाचल पैदल घूम चुका हूँ. इस जगह में ऐसा खास क्या है? ऋषियों की भूमि है. पहले जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो तपस्या की है, उनके जो डिवाइन थॉट्स हैं, वो वायुमंडल में अभी उपस्थित हैं. वी फाइंड दिस प्लेस वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ माँ गंगा. यहाँ गंगा बहती है और शिव जी का है, भूतनाथ है, नीलकंठ है. देखो हिमालय जो है ना भगवान का स्वरूप, गंगा जो है ना भगवान का स्वरूप, इसलिए इनका दर्शन से भी पुण्य मिलता है. दिस प्लेस बीइंग एट द फुटहिल ऑफ हिमालयस
It's the starting point for various spiritual pilgrimages around here in the Himalayas. Rishikesh, I have reached up to that level where the sun is sitting. Sun is my God and sun is sitting inside my eyes. So, kuch alag mehsoos hota hai yahan par aur baaki jagah se. 6 mahine nikalo pata lag jayega. कल एक फॉरनर बैठा था तो उसने हमसे पहले पूछा कि ये ऋषिकेश नाम कैसे पड़ा. तो हमने बताया पहाड़ों पर जो महात्मा रहते थे ना, वो अपने बाल कटवाने के लिए मुड़वाने के लिए अक्सर यहाँ आते थे. केश माने बाल, एक व्याख्या ये. दूसरी व्याख्या के हमने पढ़ा था यहाँ पर एक महिला हुई ऋषिका, उसको आत्मानुभव हो गया था, परमात्मा से जुड़ गई थी, तो उसके नाम पर ऋषिका के नाम पर ऋषिकेश कहा जाता है. दो व्याख्या हमने बताई उसको, तीसरा वो खुद बोला ऋषि कैश. नाउ दिस ऋषि कैश बिकम ऋषि कैश. अंग्रेज और बंदर कहीं भी पहुंच जाता है. साइंस अगर कामयाब हो गया तो सिकंदर है, पिट गया तो बंदर है. ये सब आने वाले समय पे कब्जा कर लेंगे. पहले इन्होंने पहले ही बता रखा था 100 साल के बाद हम तुमसे फिर मिलेंगे. ये पार हो गया हमारा राम झूला और अभी थोड़ा स्ट्रीट फूड भी चख लें इधर का. क्या है सकरी चाट बोलेंगे इसको, शकरकंद की बनी हुई चाट. शकरकंद की बनी हुई चाट, ये बात. कैसा है? बहुत बढ़िया. ये मैं इसमें खा रहा हूँ क्योंकि गुड कार्ब्स है. स्वीट पोटैटो. मेरा पोटैटो बंद है. ये गैस बंद है क्या? नहीं नहीं चल गया. तो ये छुस से नहीं बोला. तो फाइनली ऋषिकेश का हमारा ये ब्लॉग भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है. मज़ा आया लोगों से बात करके वहाँ पर घूम कर. और चंगी भाई सर इधर बैठो, आप इधर आओ. कितनी शांति से हम बात कर रहे थे और ये भाई ने आगे धूमधाम मचा दिया, फोन गिरा दिया. ये क्या है, ये घाट पे लेकर बैठे हैं. अरे चखना है मेरा. तो जैसा मैं बता रहा था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऋषिकेश का हमारा. यहाँ पर करीब दो दो महीने, तीन तीन महीने, एक एक साल और कुछ तो 20-20 साल से लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं. होते हैं कुछ, मतलब जैसे मतलब अबैंडन कर देते हैं आजकल के लोग, वो सब भी होता है. अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए उस टाइप. हर जगह की अपनी स्टोरी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग खुशी से रह रहे हैं और बहुत सारे लोग बिना मर्जी के रह रहे हैं यार, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं अब कहीं जाने का. तो अलग अलग कहानियाँ हैं यार, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए. और वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को. जितने भी नए लोग आ रहे हो, वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार. कौन सा पैसा लग रहा है तुम लोगों का, कर लो. हम तो वीडियो बना ही रहे हैं. ओके नहीं मतलब करना चाहिए भाई. ठीक है कर लो सब्सक्राइब कर लो. ठीक है कर लो भाई, कर लो. बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई हम लोग, कर लो. कमेंट करके भी हमें बताओ कि जो हमारे वीडियोज़ जो हमारे ब्लॉग्स हैं वीडियोज़ हैं कैसे लग रहे हैं, ये वाला ब्लॉग कैसा लगा और क्या हम अलग कर सकते हैं, क्या और बेहतर कर सकते हैं, या कुछ मिसिंग लग रहा हो तो आप लोग अपने सजेशन दो कमेंट बॉक्स में. अच्छे बुरे सारे, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं सबका रिप्लाई करूँ. लेकिन नया चैनल है, सपोर्ट कर रहे हो आप लोग ने, बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच. मैं हर बार थैंक यू बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, कोई शर्म की बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है मुझे. और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है. ऋषिकेश की हमारी यात्रा जो है वो ख़त्म हो चुकी है. ठीक है बात, ऋषिकेश में वो मेन चीज़ ही नहीं करोगे क्या? मेन क्या अब क्या बचा है, कुछ कुछ बचा है क्या? पूछ रहे मुझसे बात करो. ऋषिकेश में आने के बाद योगा दिखा दिया, गंगा आरती हो गई, और क्या बचा है? छोड़ो यार तुम, चलो बाय बाय बाय. सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, लव यू ऑल. तो ये है ऋषिकेश का बीटल आश्रम. इस जगह का नाम है गट्टू घाट. तो फटाफट अभी निकलते हैं यहाँ से रिवर राफ्टिंग के लिए. Let's go. Come on. Get down. Lock your paddle. Hold the rope. Go jump. Quick fast. हम बड़े भाग्यशाली यहाँ आश्रम में सबसे अच्छा आश्रम प्रमाणित यहाँ रह रहे हैं. और जब तक कानपुर में रहे जो डिग्री कॉलेज है सबसे अच्छा पीपीएन कॉलेज माना जाता है. जितने उच्च कोटि के महात्मा कानपुर से उठे हैं सब